कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड है, सब लिपिड है। लिपिड के क्या काम है? इसका मतलब जो तुम घी वगैरह खाते हो बॉडी में क्या करते हो? तो भाई एक तो फंक्शन लिख दो ट्रपिन के, फंक्शन ऑफ ट्रपिन, ट्रपिन बताए ना, क्लोरोफिल ए बनता है ट्रपिन में, कैरोटेनॉइड बनते हैं, ग्लिबरीन हार्मोन बनता है, ये सब ट्रपिन थे। तो लिपिड तो थे, ट्रपिन के फंक्शन आ जाएंगे, लिपिड के फंक्शन हो जाएंगे वो सारे। चलो ट्रपिंग वाले फंक्शन ऐड कर दो, लिपिड के फंक्शन हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस में काम आ रहे हैं टर्पिन, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ये सब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो टर्पिन जो होती है लिपिड में, लिपिड होती है टर्पिन और लिपिड के फंक्शन। रेडी, अगला टॉपिक लो, टर्पिन के फंक्शन तो हो गए, फिर बना दो कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन, मैंने बहुत करा है, कोलेस्ट्रॉल के, कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरोल, टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन वगैरह, ये सब लिपिड थे, स्टीरॉइड है। तो स्टीरॉइड के फंक्शन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के सेक्स हार्मोन जो थे, टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन थे उसे फंक्शन बता दो, लिखवाया है फंक्शन, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है उसे फंक्शन बता दो, तो ये सारे स्टीरॉइड के फंक्शन है। लिपिड का फंक्शन होता है ट्रफिन के फंक्शन, ट्रफिन भी लिपिड है, स्टीरॉइड भी लिपिड है, इनके फंक्शन देना करवा दी मैंने पहले। चलो भाई, और इसके अलावा फॉस्फेट और ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन, ये तीनों लिपिड मैंने करवाए थे, तीनों साइल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, तीनों लिपिड्स, लिपिड से फॉस्फेट जुड़ जाएगा फॉस्फेट, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़े तो ग्लाइकोलिपिड, लिपिड से प्रोटीन होता है लाइक प्रोटीन, तीनों लिपिड थे। तो ये भी भाई लिपिड हो गए, इनके फंक्शन होगा सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड में तुम बोलोगे जी सेल मेम्ब्रेन में, अगर याद हो तुम्हारे को कोलेस्ट्रॉल मिलता था, अगर याद हो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर अटैच है कोलेस्ट्रॉल, बाहर वाली फॉस्फोलिपिड लेयर में, अंदर वाली में, अंदर वाली फॉस्फोलिपिड अंदर वाली लेयर जो होती है फॉस्फोलिपिड की, उसमें होता है सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, जो स्ट्रॉन्ग बनाता है मसल को, मेम्ब्रेन को अच्छी बनाता है, स्टेबिलिटी होती है, मेम्ब्रेन स्टेबल होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। चलो ये तो इन लिपिड के फंक्शन हो गए, अपना नॉर्मल घी के फंक्शन बताओ, वो शायद मैंने करवाए थे तुम्हारे को, नॉर्मल घी के फंक्शन करवाए थे मैंने, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉर्मल लिपिड के फंक्शन, घी के फंक्शन बताओ, बॉडी को सेव देता है एक मान के देखो, किसी आदमी को एनालाइज करो कि उसके पूरे शरीर में क्या नहीं है, ऐसे एनालाइज करो पूरे शरीर के अंदर लिपिड नहीं है, फैट ही नहीं है, हड्डियां से बना है, स्कर्टन बन जाएगा पूरा पूरा, जो अलग ही शेप बनी कोई जो बोन बोन है, बोन भी शेप देती है वैसे तो, लेकिन रियल जो अच्छी शेप आती है बॉडी की वो फैट से आती है, जब वो बोन के स्किन के नीचे डिपोजिट हो जाती है तो बॉडी को शेप देती है। एनर्जी, एनर्जी देती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है 1 ग्राम लिपिड, तो लिपिड से या फैट, लिपिड से या फैट से, फैट जो घी तेल जिसको बोल रहे हैं उससे हमारे एनर्जी मिलती है। और बताओ भाई लिपिड और क्या करता है एनर्जी लेने के साथ, लिपिड से ग्लूकोज बन सकता है, लिपिड 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 से ग्लूकोज बनता है, तो हमारे को ग्लूकोज की कमी भी नहीं आएगी। अगर तुम सोचो घी घी खा लो तुम जो, और क्या नहीं खाते, तेल नहीं खाते, सॉरी हाँ मीठी चीज नहीं खाते, मीठी चीज नहीं खाओगे तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, मान लो घी की खा रहे हो उसमें लिपिड खा रहे हो तुम, और चपाती वगैरह कुछ नहीं खा रहे तो ग्लूकोज तो नहीं खाओगे तुम, तो लिपिड से ग्लूकोज बन जाएगा और रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, तो लिपिड से ग्लूकोज बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी के अंदर अकेली फैट भी खाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्लूकोज बन जाएगा उसका। चलो भाई लीवर बनाते हैं ना लिपिड का ग्लूकोज, ग्लूकोज नियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं,
ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो लिपिड से ग्लूकोज बनता है क्या बोलोगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बने तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से बने, जो कार्बोहाइड्रेट ना हो उससे ग्लूकोज बने तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे फैट से लिपिड से ग्लूकोज बने तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है यार, तो लिपिड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज भी बन जाता है लिपिड से। ठीक है यार, और बताओ लिपिड क्या कर सकता है? हाँ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ लिपिड की बनी होती थी और माइलिन शीथ की वजह से, लिपिड की बनी होने की वजह से माइलिन शीथ से आयन का एक्शन रुक जाता था। ज्यादा नर्वस सिस्टम पड़ेगा माइलिन शीथ के बारे में, लेकिन माइलिन शीथ रिएक्टिव लिपिड थी जो, तो ये भी है माइलिन शीथ जो है इसको हम लिपिड बोलते हैं। ठीक है भाई, माइलिन शीथ की बन गई लिपिड से। और बताओ पेंट के अंदर, पेंट के अंदर और दूसरा एक और है पेंट के अलावा सोप। मेरे को ध्यान है जब हम छोटे होते थे तो एक ट्रक था उसमें ऑयल था, और वो ट्रक एक्सीडेंट हो गया गांव में ही, और उसका तेल बिखरने लगा, ऑयल बिखरने लगा, कोई पता नहीं किसी का ऑयल था। अब उस केस में हमारे गांव में एक सोप के पर था दुकानदार, उसको उसकी नॉलेज थी कि ये तेल साबुन बनाने में काम आता, तो उसने क्या किया अपने सारे फैमिली के साथ बच्चों के साथ वो तेल ही उठा उठा कर घर लाने पड़ गए, लाने लग गए। तो और जो लोगों ने देखा ये उठा रहा है तुम भी लोग, वो भी भर भर के ले आए। फिर बाद में हमारे गांव में नजदीक एक साबुन की फैक्ट्री थी जो, उसको जाकर बेच आए, वो सस्ते में बेचते हो। तो पेंट जो होता है उसमें पेंट साबुन जो होता है उसमें लिपिड होना जरूरी है, अब कहां काम आता है वो तो पता नहीं। सोप बनाना है, साबुन बनाना है, तो उसमें लिपिड या ऑयल की जो पड़ती है, तो सोप में ऑयल की जो पड़ती है। पेंट का क्या, पेंट पेंट ये जो होते हैं इनमें तो तुम बोलते डाइट वर्सेस अर्थ मिलती थी, डाइट अर्थ मिट्टी मिलती थी उसमें पेंट के अंदर, तो हम बोलेंगे पेंट के अंदर लिपिड भी मिलाया। चलो इसके अलावा डायरेक्ट एक्टिविटी तो है पेंट में, डायरेक्ट एक्टिविटी से पेंट चमकता है, लेकिन उसमें लिपिड भी मिलाया जाता है। और बताओ बर्ड्स के अंदर प्री ग्लैंड होती है, बर्ड्स में प्री ग्लैंड होती है जो ऑयल बनाती है, और इसका ऑयल फैदर के अंदर, पंख फैदर में मैंने बताया याद हो तुम्हारे को, याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने बताया बर्ड्स में इंसेक्ट अपने एनएस के पास वो बर्ड्स अपनी बीक देते हैं ऑयल लेके फैदर में डाल देते हैं, पंखों में डाल देते हैं, उससे लुब्रिकेशन होता है। फैदर या पंख के अंदर लुब्रिकेशन जो होती है किसकी वजह से होती है? ऑयल, ऑयल की वजह से। तो बर्ड्स में ऑयल ग्लैंड मिलता है, बर्ड्स में ऑयल मिलता है। और भी याद रखना जो कि लिपिड जो है ये यहां पे काम आ रहा है, जो प्रिंग्लैंड में भी यू बोलो फैदर जो है पक्षियों में उड़ते हैं, फैदर में लुब्रिकेशन होनी चाहिए, वो लिपिड की वजह से हो जाती है। पंख में फैदर डाल, फैदर लेकर पंखों में ऑयल डाल दिया जाता है, उससे उड़ने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है बेटा, चलो लिपिड की हमसे बात करते, लिपिड पूरा होता है। हाँ एक और याद रखना, बिल्कुल मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन कराया है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। पता है किस ग्लैंड से? पता है प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। मैंने यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन बताया था, इसके फंक्शन और भी है, इसका काम वैसोडाइलेशन भी है, वैसो कंस्ट्रक्शन भी है।
वैसोडायलिसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल को चौड़ा कर देना, वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है वैसोडायलिसिस बोलते हैं चौड़ा कर देता है ब्लड वेसल को, वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, दोनों काम अलग अलग जगह में। प्रोस्टाग्लैंडिन ये काम आता है फैटी एसिड से बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, जिस तरह हिस्टामिन ब्लड वेसल को चौड़ा करता है कई जगह पे ब्लड वेसल को चौड़ा करता है, और कुछ जगह सीरोटोनिन की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन। हाँ, दो चीजें और है जो लिपिड है, फंक्शन में डाल देगा तुम्हें सुगरिन, क्योंकि सुगरिन बनती है ग्लिसरॉल प्लस हेलोनिक एसिड, हेलोनिक एसिड और क्योंकि बनती है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, फैटी एसिड से क्यूटीन बनता है, और ये दोनों ही स्टॉप ट्रांसपिरेशन, शरीर से पानी निकल जाए, प्लांट से पानी निकल जाए, वेपर की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन होता है, दिखता नहीं है प्लांट के अंदर, प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं पानी छोड़ते हैं लेकिन दिखता नहीं, ये दोनों ही ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, अच्छी बात है, ये होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा, वाटर की कमी नहीं आएगी। तो सुगरिन और क्यूटीन ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, सुगरिन बनाता है ग्लिसरॉल फैलोनिक एसिड से और क्यूटीन मिलता है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड से, क्यूटीन तो मिलती है लीफ वगैरह में क्यूटिकल लेयर में, क्यूटीन कहां मिलता है इन क्यूटिकल, क्यूटीन मिलता है क्यूटिकल के अंदर, और सुगरिन कहां मिलता है कोर के अंदर, और कोर को याद रखो मिला और कैस्पियन स्ट्रिप में, एनाटॉमी पढ़ा होगा तुमने, जो एंडोडर्मिस जो होती है रूट की उसमें कैस्पियन स्ट्रिप होती है जो पानी को वापस नहीं जाने देती है, कैस्पियन साइटिस में बताइए रूट में होती है। कोर कोई भी डायगोन प्लांट देख लेना, उसको जाकर नीम का किकर का पेड़ जाकर जाना हाथ लगाना तो हाथ टच करोगे कोर पे, सबसे बाहर वाली लेयर कोर होती है प्लांट के अंदर, और कैस्पियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस रूट में, दोनों में सुगरिन होता है और सुगरिन लिपिड है ग्लिसरॉल फैलोनिक एसिड से बने। तो बेटा ये था टॉपिक, इस वीडियो में इतना ही लेंगे, लिपिड अपने कर लिया है, अगला मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट का होगा, कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, यही रोक रहा हूं।